बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अफजाल अरशद है, आपके साथ कौन फूड्स कुकिंग चैनल के ऊपर हाजिर हैं, जहाँ पे कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक रेसिपीज़ आपके साथ लेके आएँ। आज जो रेसिपी बना रहे हैं सेवर का पुलाव है। सेवर का पुलाव पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बिकने वाला पुलाव है। बेहतरीन हम इसको नहीं कह सकते कि सारे पुलाव जितनी भी रेसिपीज़ हैं उनमें टॉप पे ये ऐसा नहीं है। टेस्ट के हवाले से और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं जिनका पुलाव का जायका ज़्यादा बेहतर है, लेकिन क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा बिकने वाला है, तो लोग यही समझते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इसका टेस्ट भी उसी हिसाब से बेहतरीन होगा। इस पुलाव के टेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट करती हैं, अपना अपना किरदार अदा करती हैं, फिर जाके एक बेहतर टेस्ट बनता है। पुलाव जो है वो अलग से बनाया जाता है, इसके साथ स्टीम चिकन दिया जाता है और उसके साथ शामी कबाब होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके और उनकी जो हाइजीन है उसको देखते हुए, उनका जो माहौल है, वो सारी चीज़ें इकट्ठी करें तो एक बेहतरीन जो चीज़ है या पुलाव है उसको आप कह सकते हैं कि उसका जायका अच्छा होता है। तो इसको बनाने के लिए रेसिपीज़ काफ़ी सारी मौजूद हैं, कुछ लोगों ने जाके उनके किचन्स की वीडियोज़ भी बनाई हैं, तो लेकिन उसके अंदर मेजरमेंट्स नहीं है। एक रेसिपी को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसके अंदर मेजरमेंट कितनी हो, कितनी क्वान्टिटी के अंदर कौन सी चीज़ शामिल की जा रही है, फिर जायका जो है उसका बनता है और सेम टेस्ट वो लिया जा सकता है। तो हम यही कोशिश करेंगे इसके अंदर जितनी क्वांटिटीज़ हैं उनको परफेक्ट तरीके से बनाएं ताकि हमें वो सेम टेस्ट जो सेवर वाला है वो मिल सके। इसके अंदर एक और चीज़ जो सबसे ख़ास है, इसके अंदर बीफ़ की यखनी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये पुलाव इसके अंदर कोई चिकन कोई बीफ शामिल नहीं किया जा रहा होता, इसलिए इसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए जो बीफ़ का इसके अंदर यखनी है उसको शामिल किया जाता है। तो इसको देखते हैं, बनाने का तरीका बहुत आसान है, बहुत सादा है। पुलाव के अंदर प्याज का भी इस्तेमाल हो रहा है, टमाटर का भी। बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं कि पुलाव के अंदर टमाटर नहीं जाता, लेकिन बहुत सारे पुलाव पंजाबी स्टाइल में अगर बनाया जाए तो उसके अंदर इस्तेमाल होता है, और सेवर का पुलाव उसके अंदर भी टमाटर का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो प्याज है वो सेवर के पुलाव के अंदर शामिल की जाती है भुनी हुई, क्योंकि उनका प्रोडक्शन लाइन ऐसी है कि उनको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो वो हर काम को अलग से करते हैं, तो उसी हिसाब से फिर टेस्ट के ऊपर भी फ़र्क आता है। सारी सी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा कि वो क्या करते हैं, उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भुनी पहले से पड़ी हो, मार्केट से मिल जाती है, वो कर लें, कोई भी कर लें। ऑयल इसके अंदर इतना डालना है कि प्याज अच्छी तरह भुन सके इसके अंदर। ये डाल के सिर्फ़ और सिर्फ डेढ़ प्याज इसके अंदर जाएगी। ये बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने बारीक काटा है। तो इसके अंदर जो टमाटर इस्तेमाल होगा वो भी कम क्वान्टिटी में जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ दो दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, बिल्कुल छोटे हैं, ज़्यादा बड़ा टमाटर और ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। इसकी पेस्ट आपने बना लेनी है। तो जी, बीफ़ की यखनी इस पुलाव के लिए लाजमी है, तो उस यखनी को बनाने के लिए एक पतीले के अंदर पानी ले लें, 3 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर 1 किलो बीफ़ की हड्डियाँ आपने डालनी है, 1 घंटे तक पकाना है, तो इंशाल्लाह बेहतरीन आपकी यखनी तैयार हो जाएगी। अब देखें जी, इधर इसमें से हड्डियाँ मैंने निकाल दी हैं और यखनी जो है वो हमारी बेहतरीन तैयार है। ये देखें, यही यखनी हमें इसके अंदर ज़रूरत है इसकी, और इसके बगैर आपको सेवर के पुलाव का वो जायका नहीं मिलेगा जो कि इसका होता है। तो इसको मैं इधर से निकालता हूँ, पुलाव पकाना शुरू करते हैं। जो सेवर का पुलाव है वो यूज़ करते हैं, उनका नॉर्मल बर्तन नहीं है इस तरह के, ना ही वो आग यूज़ करते हैं, वो स्टीम का इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह यह है कि उनको वो एफिशिएंट पड़ता है, मतलब कि आग से एक तो नीचे बर्तन काले होते हैं, सारा कुछ होता है, इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज़ करें तो महंगा पड़ता है, तो वो बड़ा एक एफिशिएंट तरीका है कुकिंग का, जो कि मोस्टली यूज़ होता है पास्ता की सॉसेस कुक करने के लिए, पिज़्ज़ा की सॉसेस कुक करने के लिए, वेजिटेबल सूप्स या इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनको एक बैलेंस्ड हीट चाहिए होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, उसकी वजह ये है कि स्टीम आ रही होती है नीचे से, और जहाँ से बर्तन खुला है वहाँ से हीट नहीं मिल रही होती, बाकी हर साइड से स्टीम की, गर्म स्टीम की वजह से हीट मिल रही होती है। तो जो खाना आधे घंटे में पकेगा वो 15 से 20 मिनट में पक जाता है, तो यही वजह है कि वो उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसी बर्तन के अंदर वही हमने तेल लेना है जो कि हमने प्याज ब्राउन करने के लिए इस्तेमाल किया था। ये तकरीबन आपने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा तेल जो है इसके अंदर शामिल कर लेना है। घी इसके अंदर, यानी कि ऑयल इसके अंदर कम होता है, तो ये इसके अंदर डाल के इसके साथ ही ये जो दो टमाटरों की हमने पेस्ट बनाई थी ये शामिल कर देनी है। प्याज जाएंगे इसमें से भी, तकरीबन मैं आधे से थोड़े से ज़्यादा प्याज ले रहा हूँ, ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं होता इसके अंदर। इसके अंदर नमक शामिल करेंगे जो कि 1 किलो चावल के लिए तकरीबन 2.5 टीस्पून के बराबर होगा, बाकी का नमक हम आगे जा कर चेक कर लेंगे क्योंकि ये जायके के हिसाब से होता है। लाल मिर्च डालेंगे इसके अंदर, 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून जो है चिली फ्लेक्स जो हैं वो आपने डालने, दोनों चीज़ें, और इनको जो है इन टमाटरों के साथ इस ऑयल के साथ आपने शामिल कर देना।
और इसको आपने कुछ 4 से 5 मिनट पकाना है, मसाले पक जाएँ, टमाटरों की पेस्ट और ये प्याज जो हैं ये थोड़े नरम हो जाएँ इसके अंदर। तो जी इसी के साथ ये 3 से 4 गुठलियाँ मेरे पास इमली की, ये आपने डाल देनी है। कोशिश करनी है इसके अंदर जो है वो मट्टी ना हो, ये बहुत कम क्वांटिटी के अंदर शामिल की जाती है, इससे हल्का सा सेवरी जो फ्लेवर है वो इसके अंदर आता है। 4 से 5 मिनट टोटल हमने पकाना है ये प्याज वगैरह शामिल करके। 1 टीस्पून ज़ीरा लेना है, इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, जो कि जिसके अंदर मैं जो इंग्रेडिएंट्स आएंगे वो नीचे आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर, इन सबको पीस के 1/2 टीस्पून आपने ले लेना है। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में गरम मसाले शामिल करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, ये समझ लें। तो ज़ीरे का इस्तेमाल अलग से होगा, पिसा हुआ ज़ीरा और ये गर्म मसाला, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल कर दें। तकरीबन ये 1 टेबल स्पून मसाला बनेगा टोटल। अब जो है जितनी यखनी इसके अंदर जाएगी उसको हम अलग कर लेंगे। इन चावलों के लिए 1.5 लीटर यखनी इस्तेमाल होगी या पानी इस्तेमाल होगा, तो हम क्योंकि यखनी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम 1.5 लीटर यखनी इसके अंदर शामिल करेंगे। और ये जो है जी 1.5 लीटर, इसको जब जोश आ जाए तो नमक आपने चेक करना है, क्योंकि नमक आपके टेस्ट के हिसाब से है, जहाँ पे आपको बेहतर लगे। एक मैं आपको रफ़ सा फार्मूला बता देता हूँ कि नमक वहाँ पे बेहतरीन होगा जहाँ पे आपको लगे कि नमक थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि चावल जाएंगे फिर ये इक्वल हो जाएगा सारा। तेवर के पुलाव के अंदर अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल इस पॉइंट पर किया जाता है। मैं हमेशा आपको काफ़ी रेसिपीज़ में बताता हूँ कि सब्ज़ मिर्च एक ऐसी चीज़ है जिसका फ्लेवर जो है पानी के अंदर निकलता है, इसी तरह अदरक और लहसुन है, अगर आप उसको जला देंगे तो उसका ज़्यादा टेस्ट मर जाएगा, गोश्त की स्मेल को तो वो ख़त्म कर देगा, इसमें क्योंकि गोश्त है ही नहीं। तो इस पॉइंट पे अदरक और लहसुन शामिल किया जाएगा ताकि उसका पूरा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। तो ये 1/2 टेबल स्पून तकरीबन अदरक, 1/2 टेबल स्पून ही इसके अंदर लहसुन और 1 टेबल स्पून इसके अंदर सब्ज़ मिर्च, थोड़ी सी ज़्यादा कर लें आपने अपने स्पाइसीनेस के हिसाब से। ये डाल के इसको अब थोड़ा सा आपने इधर पकने देना है, फिर जो है इसके अंदर चावल शामिल किए जाएंगे। तो जी मैंने नमक चेक किया है, बेहतरीन है, और इतनी सिंपल रेसिपी और जायका इसका इस तरह है कि माशाल्लाह आप टेस्ट करेंगे तो आपको फिर ही पता चलेगा। और इसको देखें इधर चावल, इस पूरी रेसिपी के अंदर चावल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये चावल जो है इसको मैंने भिगोया है तकरीबन 1 घंटे के लिए, ये लॉन्ग ग्रेन राइस है, इसके अंदर आप कर्नल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चावल का अच्छा होना इस पुलाव के लिए बहुत अहम है, क्योंकि चावल आपका अच्छा नहीं होगा तो चावल छोटा होगा, इस तरह खिला खिला नहीं होगा और पकेगा नहीं बेहतरीन। 1 किलो चावल है हमारे पास जिसको भिगो के रखा गया था और 1.5 लीटर हमने पानी शामिल किया, ये वो तनासुब है जिससे आपका चावल हमेशा बेहतरीन पकेगा, इसमें कभी कमी कोताही नहीं रहेगी, मतलब ना पानी ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो इसको जोश आते हुए इधर काफ़ी टाइम गुजर चुका है, अब जो है इसके अंदर मैं ये चावल शामिल कर दूँगा। और एक और चीज़ का ख्याल रखना है, आपने हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है इसके अंदर, वो कलर को ख़राब करेगी। ये चावल जो हैं इसके अंदर शामिल कर दें और आग को इधर थोड़ा सा तेज़ कर लेना है आपने, इसको उतनी देर तक पकाना है जितनी देर तक ये पानी अब्ज़ॉर्ब ना कर लें चावल। यखनी का पूरा फ्लेवर जितने भी मसाले हमने डाले हैं वो चावलों के अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाएंगे, फिर इसको हम दम लगाएंगे। चावल देखें पानी आलमोस्ट ये पी चुके हैं और चावल का जो साइज़ है ग्रेन साइज़ देखें माशाल्लाह से बेहतरीन खिले हुए चावल हैं। इस तरह की कंडीशन जब हो जाए चावलों की कि पानी इसकी सतह पर कम नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा दबाएं तो इस तरह पानी इसका निकल आए, ये इतना पानी इसकी इसके अंदर स्टीम बनाने के लिए इसको पकाने के लिए होना चाहिए। और चावल का कलर देखें आप माशाल्लाह से बेहतरीन, जो सेवर का पुलाव है उस जैसा कलर है। दम के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इधर कागज़ का, आप किसी कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े को गीला करें और इस तरह इसको दम लगा दें। 25 मिनट के लिए आपने तकरीबन इसको दम लगाना है। दम का टाइम जो है वो पूरा हो गया है, तो इसको खोलते हैं अब किस तरह के जो चावल हैं अंदर पुलाव। माशाल्लाह जी खुशबू तो बड़ी बेहतरीन आई है और चावल जो हैं वो भी देखें आप, माशाल्लाह अकेला अकेला दाना है बेहतरीन। इसको थोड़ा सा हम हिलाएंगे ताकि जो नीचे थोड़े गीले चावल होते हैं वो और ये आपस में मिक्स हो जाएं, लेकिन बहुत बेहतरीन पुलाव। चावलों का आप साइज़ देखें, लंबाई देखें और किस तरह ये खिले हुए चावल हैं, ये देखें।
और कलर आप देखें तकरीबन जो है मिलता जुलता कलर है सेवर से, तकरीबन क्या मेरे ख्याल में 100% ही मिलता जुलता है। तो ये देखें जी चावल माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। इसके साथ स्टीम और कबाब होते हैं वो हमने नहीं बनाए, लेकिन इंशाल्लाह उनकी रेसिपीज़ आगे ज़रूर आएंगी। इसके बाद आज जो है ये राइस हैं इनको ट्राई करते हैं किस तरह का टेस्ट है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप यकीन करेंगे बेहतरीन टेस्ट है, इसको आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको फिर पता चलेगा। तो ये वो चीज़ है कि इसको आप घर पे भी इंजॉय कर सकते हैं कि आप बनाएं इसको, और जिस तरह उनके खिले खिले चावल होते हैं सेवर के उसी तरह का आपको इंशाल्लाह टेस्ट भी मिलेगा, और बेहतरीन जो शक्ल है अपीयरेंस है वो भी आलमोस्ट उसी तरह की मिलेगी। और इसका पूरा फ्लेवर मेरे मुँह में आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई चीज़ हमने शामिल नहीं की, बीफ जो है उसकी वजह से एक बड़ा इसके अंदर जान आ जाती है इस पुलाव के अंदर, कि ये जो पूरा फ्लेवर है उसको चेंज कर देता है। तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी किसी और रेसिपी में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।